हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आप सभी का रविपाल ब्लॉग में स्वागत है। और देखिए, सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के बजे है आठ। नाश्ता हमारा हो चुका है, नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में आज मैंने निकले बनाए थे नमकीन जवे, और सुबह सुबह नमकीन के जवे बनाए थे। तो देखिए, हम खा पी के छक चुक के बैठ चुके हैं सुबह का नाश्ता, और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। सिर्फ मुझे लगाना है पोछा, क्योंकि सुबह सुबह हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं बाद में, क्योंकि गंदा हो जाता है। फिर नीचे से आते हैं पशुओं के पास से चारा वारा करके, अरे मम्मी और ये भी आते हैं, चप्पल वगैरह आते हैं, फिर गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम पोछा बाद में लगाते हैं। और बुखार जो है, कल बुखार था, आज नहीं है, बुखार उतर चुका है, मगर ये हाथ में हल्का सा अकड़ाट है, दुख रहा है। बच्चे की तरह लग रहा है, तो ये अकड़ रहा है, ये यहाँ से इस साइड से दुख रहा है, इसी हाथ में लगी थी और इस हाथ में यहाँ पे लगी थी, तो इतना एरिया हल्का हल्का दुख रहा है। हाँ, दुख रहा है, दुख है बहुत। और अब मुझे जाना है खेत में, खेत में काम करना है, फिर जाना है जिंजाना, जिंजाना है थोड़ा सामान लेके आना है, घर का सामान। और हमारी गाय भी की भी डिलीवरी नजदीक ही आ रही है, उसके लिए भी राशन लेके आना है, थोड़ा सा खड़, बिनोले, घी। तो हाँ, उसके लिए भी घी चाहिएगा, उसके लिए भी थोड़ा सा डिलीवरी के बाद घी चाहिएगा। जैसे कि लेडीजों को छुआनी देते हैं, ऐसे ही उन्हें आउटी दी जाती है मिट्टी की बना के, चीनी की भी दे देते हैं, गुड़ की भी दे देते हैं। गुड़ की दी जाए, गुड़ की ज्यादा अच्छी रहेगी, घर का गुड़ है, तो इसलिए उनके उसके लिए घी वगैरह लाना है। सामान पहले ही तैयारी करके रख रहे हैं। और तो जी, जो और हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके चाचा जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। हमारे चाचा जी चले गए हैं बुआ जी के यहाँ पे, काफी दिन हो गए, जा रखे हैं, एक डेढ़ महीना हो गया उन्हें गए, ज्यादा ही हो गए, दो महीने मेरे आने से पहले गए हैं वे। और हम ये उन्हें लेने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं भी नहीं आ रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है। और बुआ जी के वहाँ पे बुआ जी के साथ काम वगैरह करवाते रहते हैं, क्योंकि हमारे फूफा जी नहीं है, तो इस वजह से खेत वगैरह में थोड़ी हेल्प कराते रहते हैं बुआ जी। तो हमने भी सोचा है कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे काम सभी हो रखा है, और वहां पे भी बुआ जी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और जो भाई साहब अगर हैं वे अपने काम पे चले जाते हैं, और घर भी होना जरूरी है किसी जेंट्स का, तो इसलिए चाचा जी है वहां पे घर पे। तो हमारे चाचा जी है बुआ जी का, जो चाचा जी का ऐसा है कि जहां पे मन लग जाए फिर वहीं पे ठहर जाए, और जब उनका मन उखड़ जाएगा तो वे खुद ब खुद आ जाएंगे, है ना। और ये गए थे लेने के लिए, इन्हें कह रहे मैं नहीं जाता अभी, मैं तो बाद में जब मेरा मन करेगा, जब हम वैसे आ जाएंगे वे, जब खुशखबरी सुनेंगे वे, मैं बहुत जल्दी बात कहोगे नकाओगे कि मैं तो चल रहा बस घर, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे चाचा जी को वहां पे, आ जाएगा सब धीरे धीरे। तो चलिए जी, बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और मुझे लगाना है पोछा, तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ पहले, और फिर किचन का काम पड़ा है थोड़ा सा, बर्तन वगैरह। और वैसे तो साफ सफाई हो चुकी है किचन में, लेकिन पोछा लगाना बाकी है रसोई किचन में को भी और यहाँ पे भी। तो मैं पोछा लगाती हूँ खड़े वाले से, मोप वाला पोछा है। तो चलिए जी, चलिए लगाते, आप लगाओ। नहीं, मैं ही लगा लूंगी पोछा। तो मम्मी जो है खेत में गई हुई है, और फिर ये जाएंगे मम्मी को लेने के लिए, और थोड़ा सामान लेके आना है इन्हें मार्केट से, वो भी लेके आ जाएंगे उधर से उधर। चलो चलो, ये देखिए मैडम लगा रही है पोछा सुबह सुबह, ये रहा। और मेरी तो चलने की तैयारी है खेत में, या फिर जिंजाना जाऊंगा मैं पहले, और फिर सामान लेके इनके साथ थोड़ा व्लॉग बनवा देता हूँ जाता जाता। और ये देखिए मोटे, वेट कितना हो रहा होगा तेरे में भैया। है तो नहीं, वेट नहीं तोला हमने अभी, तोला नहीं ना, एक क्विंटल तो हो रहा होगा। अच्छा, सत्तर सत्तर पचहत्तर किलो तो वजन हो रहा होगा। हाँ कह रही है भाई, सत्तर तो हो रहा होगा। ओ, 20 किलो वेट तो ऐसा बढ़ जा पूरी डिलीवरी के टाइम तक, लेडीज में 15 से 20 किलो वजन बढ़ जा। अच्छा जी, नहीं और मैं अपना वेट घटा लूंगी, मेरे वेट की टेंशन ना लो। अच्छा जी, देखो एक तो ज्यादा भाग जोड़ करके थोड़ी बहुत ही, और बस फिर
जिन्ने बिन्ने को ज्यादा चढ़ना ऐसे करना। आज कौन कौन सी एक्सरसाइज करी सुबह? एक्सरसाइज हैं? तितली वाली करी एक तो। तितली वाली? हाँ। अच्छा तो अनुलोम विलोम करी? अनुलोम विलोम हुआ। जिन्ने में कितने चक्कर लगाए? मैंने 15 जाने के 15 सुबह। बढ़िया कसरत होगी पूरे सुबह को। 4 बजे उठ गई थी मैं। हाँ। 4 बजे उठ, कोई नहीं, वो तो सब्जी वाला आ रहा। 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश व्रेश होकर झाड़ू वाड़ू लगा के मतलब की, और फिर मैंने वो करी एक्सरसाइज। पसीनों में तरमतर हो गई थी बहुत ज्यादा। 4 बजे की सोई मैं रात को 1 बजे। 1 बजे सोई? मुझे नींद तो आती ना, सोचा फिर उठी जाओ। फिर सुबह उठ के नहा लो, पूजा वूजा करके फिर नाश्ता बनाया। नाश्ते में जो ये बनाए आपको खिलाए, जबरदस्ती उठाया बस चक्कर है, उठ जाओ खाना वाना खा लो नाश्ता कर लो। ऐसा सांस चढ़ जाओ, मुझे ज्यादा चढ़ा है सांस फिलहाल। पर हमारे यहाँ धूल मिट्टी ज्यादा हो रहा है। खेत हो गया ना पास में, तो इस वजह से धूल मिट्टी ज्यादा आ रहा है। अरे रखा था, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नया क्यों लेकर आते? तो नया लेके आए पहली, आज पहली बार डल्ला बनने। हाँ, पहली बार डल्ला। तो नया ही तो लेके आए थे आप? नया लेके आए थे मगर 6 महीने हो लिया, नया रखा रखा जब से। तो जो जो ये 2 दुपट्टे थे फट चुके हैं। मैंने सोचा था कि चलो डिलीवरी टाइम पर पुराने पुराने काम कर देंगे, तो वो फट गया, फटा गया पजेब में उलझ गया उसके दुपट्टा, वो फट गया। तो फ्रेंड्स देखिए आ चुके हैं मार्केट से और सामान लेकर है। चक्कर लेके आए नोले सिनोले हैं बहुत सारे, और ये सामान लेके आगे बैग भी भर रखा और पन्नी भी भर रखी, थैला सा कट्टा नहीं लेके गए थे थैला। और क्या कर लेके आए चले दिखाइए जी आप। तो दिखाओ खोल के क्या क्या लेके आए हैं मार्केट से। मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? बर्गर वर्गर ना, ना, क्यों? ये हमारी गाय के लिए, ये है गाय के बिनोले, ठीक है। ये रुई में से निकला है, वो बैडी होती है जो रुई वाले हो ना। ये हमारी सब्जियां, सब्जियां थोड़ी सी तो हम थोड़े ही आदमी फैमिली मेंबर भी तो थोड़े ही है। खीरे नींबू हरी मिर्च सलाद वगैरह के लिए, शिमला मिर्च टमाटर, और ये पापा के लिए मूली की भुज्जी बनेगी। हाँ क्योंकि मूली की सब्जी बहुत ज्यादा जल्दी भुज्जी बोलते हैं। प्याज वगैरह है, आलू है, और हम थोड़ी थोड़ी सब्जी लेके आते हैं क्योंकि इतने फैमिली मेंबर नहीं है, खराब भी हो जाए फिर सब्जी। और बैग को सब्जी वाला बैग बना रखा है। अच्छा गाय के नाम के गाय को संदक नहीं, ये तेरे नाम के मखाने, नमकीन के पैकेट चाय के साथ चाहिए टेस्टी वाली लत्ते, मुझे तो टेस्टी वाली नमकीन पसंद है। पैकेट बहुत सारा सामान लिया है, ये घी की, घी हो गया गाय के लिए, तो घी ये मधुसूदन का हो गया घी। हाँ और जियो इसमें है चिन्नी भाई, चलो चिन्नी भी लेके आ गए। और चिन्नी का हमारा कट्टा खत्म हो चुका था, एक कट्टा लेके आए थे बहुत दिन चल गया, हाय तो फट गई। और काफी सारा सामान लेके आए है घर का दाल। और मलका मसूर मेरी फेवरेट दाल है, तो मैंने मलका मसूर की दाल बोली थी, नहीं तो लेके आए है मलका मसूर,
कितनी चीनी निकल रही है इसमें? हाँ तो इसे डब्बे में करके रख रही है, फट गई जी। डबल पन्नी में करा के लेके आते? चलो थोड़ी सी है। चलो कोई नहीं, इसे सही करती हूँ फिलहाल। ये रहा फर्रा। राशन आ चुका है घर का, एकदम से ले आते हैं इकट्ठा। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।